कोशिकीय पूर्ण सशक्तता या सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी का सुझाव सबसे पहले हेबरलैंड के द्वारा दिया गया था। सेलुलर टोटिपोटेंसी होती क्या है? जब कोशिका में विभाजन होता है और विभाजित हुई कोशिकाओं में पुनर्विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो इस घटना को तो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहा जाता है और ऐसी कोशिका को टोटिपोटेंट कोशिका कहते हैं। सबसे पहले स्टीवर्ट और उसके साथियों ने टोटिपोटेंसी की घटना को गाजर के फ्लोएम में प्रदर्शित किया था। माना एक कोशिका है, एक कोशिका में विभाजन हुआ जिससे दो कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम पुत्री कोशिकाएं भी कहते हैं। अब इन पुत्री कोशिकाओं में यदि दोबारा विभाजन की क्षमता पाई जाती है ना, तो इस घटना को सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता।